ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। कौन जीतेगा ये तो 15 मई को पता चलेगा, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या ये साल 2019 का सेमीफाइनल है, लोकसभा चुनाव से इसको क्या जोड़कर हम देख सकते हैं। हालांकि जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए उसमें जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो देखने को अक्सर मिलता है उस तरीके के राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो भी यहाँ देखने को मिले। राहुल गांधी अपने आप को पीएम उम्मीदवार भी घोषित करते आए कांग्रेस की तरफ से, हालांकि वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका मजाक भी बनाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, जो किसानों की आत्महत्या का मसला है, लिंगायत को लेकर जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके से उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बयानबाजी हुई है, चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे। लेकिन जातिगत समीकरण क्या कुछ कहते हैं कर्नाटक के, वो आपको हम दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद चर्चा। कर्नाटक में तीनों बड़ी पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस ने चुनाव अभियान के दौरान विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात की, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। वास्तव में राज्य में जातिगत समीकरण हावी होता दिखाई दे रहा है और इसी पर जीत हार तय होगी। तीनों पार्टियों की ओर से उतारे गए उम्मीदवार भी इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं कि आखिर में उम्मीदवार की जाति से ही उसकी जीत सुनिश्चित होगी। राजनीति के गलियारे में कर्नाटक चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्मी चरम पर है, जिसमें आहुति डालने का काम करेंगे दलित, लिंगायत और वोकालिगा। तीनों पार्टियों ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार लिंगायत और वोकालिगा समुदाय से उतारे हैं। कांग्रेस ने 49 लिंगायतों और 46 वोकालिगा समुदाय के लोगों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने 68 लिंगायतों और 38 वोकालिगा को मैदान में उतारा है, तो वहीं जेडीएस ने 41 लिंगायतों और 55 वोकालिगा को टिकट दिया है। राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सबसे बड़ी कास्ट पॉपुलेशन है और ये तीनों बड़ी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण भी है। शुरुआत से ही जाति गठबंधन पर पार्टियों का फोकस रहा है, न कि विकास के एजेंडे पर, जिसकी काफी चर्चा हुई है और अब भी हो रही है। वास्तव में बीएस येदुरप्पा को आगे रखने के पीछे भी लिंगायत समुदाय को लुभाने की ही रणनीति थी और इसी के तहत जाति आधारित गणना भी की गई। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ भी रहा, जिसने कुरुबा और दूसरी पिछड़ी जातियों का वोट हासिल करने की कोशिश की है। बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जबकि कांग्रेस और जेडीएस ने उनका वोट लेने के लिए पूरी कोशिश की है। कांग्रेस ने 17 और जेडीएस ने 19 मुस्लिमों को टिकट दिया है। कर्नाटक में जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर नजर डाले तो दलित 19.5%, ओबीसीएस 16%, मुस्लिम 16%, लिंगायत 14%, वोकालिगा 11%, कुरुबास 7%, जनजाति 5%, ब्राह्मण 3%, ईसाई 3%, बौद्ध और जैन 2%, अन्य 4%। कर्नाटक में लिंगायत को वैसे तो बीजेपी का वोट माना जाता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार येदुरप्पा इसी समुदाय से आते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इसमें सेंध मारने की कोशिश की है। राज्य की 224 सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर इनका प्रभाव है, तो वहीं दूसरी तरफ वोकालिगा को जेडीएस का समर्थक माना जाता है। जेडीएस के एचडी देवगौड़ा इसी समुदाय से आते हैं। वोकालिगा की कर्नाटक के दक्षिण में 10 जिलों में मजबूत पकड़ है। इसके अलावा राज्य में दलित और मुस्लिम दोनों वर्गों का प्रभाव भी वोटिंग पर दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जातिगत समीकरण जो हैं वो मायने रखते हैं कर्नाटक में। ये यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दलितों की अगर बात की जाए तो दलित कुल मिलाकर के 9.5% हैं, ओबीसी की बात करें 16% हैं, मुस्लिम मतदाता जो कि काफ़ी कुछ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप निर्णायक भूमिका में यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, एक कोई भी टिकट मुस्लिम को नहीं दिया है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर फिलहाल हमें मिल रही है और ये बड़ी खबर आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी ये बड़ी खबर, 222 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक 64% मतदान हुआ है। हावेरी में सबसे ज़्यादा 69% वोटिंग हुई है, तो हावेरी में अब तक सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। अगर हम थार वार्ड की बात करें तो यहाँ पर 46% और मैसूर में 40% मतदान हुआ है। मैसूर वो इलाका है जो जेडीएस का कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है, तो शाम 5 बजे तक का ये आपको हम वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं जिसमें 64%
मतदान की खबर सामने आ रही है। एके मिश्रा जी, पहला रिएक्शन मेरा आपसे इसी पर रहेगा, कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है वो 70 का आंकड़ा जो आप कह रहे थे शुरुआत में पार होगा वो? लगभग 70 ठीक है, 1-2% आप आगे पीछे देखेंगे तो वो चीज हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ सबसे ध्यान देने बात ये है कि जैसे मैसूर हुआ, जो कि वोकालिंगा का गढ़ माना जाता है, जेडीएस का गढ़ माना जाता है, जैसे मैंने कई और चैनलों पे बोला है, मुझे ज्यादातर देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो डैमेज होगा वो अब की बार जेडीएस को होगा। उसके पीछे बहुत सॉलिड लॉजिक है। जेडीएस पिछली बार 40 सीट्स इनके पास थी और 20% का इनको टोटल जो है वोट मिला था, और अब कांग्रेस को देखेंगे तो 36.6% मिला था और बीजेपी को 19.9% मिला था। येदुरप्पा जी को जो है लगभग 9.9 मिला था, बाकी सबको जो मिला था किसी को 2-4%। अब आप एक इक्वेशन देखिए, मैं न्यूमेरिक फॉर्म बताता हूं क्यों बीजेपी बड़े आराम से जीतेगी। कांग्रेस ने जो 117 सीट मिली थी वो 36.6% वोट था। आज की डेट में उस वक्त येदुरप्पा जी अलग थे, आज बीजेपी को मिला दीजिए, येदुरप्पा को मिला दीजिए, 1-2 केजेपी वगैरह छोटी मोटी पार्टी है वो भी बीजेपी में विलय कर गई है, 7 लोग निर्दलीय जो खड़े थे अगर आप उनको भी जोड़ देंगे जिनका वोट परसेंट लगभग 7 था, तो लगभग कांग्रेस के 36.6% के अगेंस्ट ओवरऑल बीजेपी का देखेंगे तो लगभग 38% बढ़ जाता है। मैं बोलता हूं कि 70% का सारी चीजें 2013 वाली अगर सेम रिपीट हो जाए तो इन लोगों के मिलने से बीजेपी को 38% सीट मिल रही है तो बड़े आराम से बना लेगा। अब सवाल यह है कि लोग बोल रहे हैं, देखिए आपने एक चीज बोला कि भाई पहले जो है ये ओपिनियन पोल ये आया था कि हॉच पॉच टाइप का किसी को नहीं मिले। मैं बोलता हूँ देखिए, ओपिनियन पोल क्या होता है, भारतीय मतदाताओं का जो एक मानसिक स्थिति होती है ना, डिसीजन मेकिंग, वो बहुत हॉच पॉच होती है। और देखिए, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले पानी, ये कहावत है। तो आप सोचिए दिमाग कितनी तेजी से यहाँ लोगों का बदलता है एक दिन में। सवाल यह है कि अगर 40 सीट से बीजेपी 55 में पहुंच सकती है तो यानी कि एक जो मिनिमम जो है एक उसको ताकत चाहिए, अगर वो 2.5 गुना का वो जंप लगा सकती है तो 15 सीट और आराम से वो उसी ताकत से लगा लेगी, मतलब वो कैपेसिटी है। तो 115, 113, 117 तक पहुंचना बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नुकसान जेडीएस को इसलिए सबसे ज्यादा होगा, आप देखिए जेडीएस कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है, इनकी कैंपेनिंग का नेचर, अगर आप ये सारी चीजें पॉलिटिकल एनालिसिस हर चीज देखेंगे। एक मिश्रा जी, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि जेडीएस का गठबंधन हुआ है बीएसपी के साथ, और कर्नाटक में दलित जो वोट है वो सबसे ज्यादा है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ सर, कांग्रेस का भी गठबंधन सपा से हुआ था। सवाल यह है कि आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन एक होता है टेक्टिकल एग्जीक्यूशन। मैं बोलता हूँ एक दिन भी मायावती जी वहां पे नहीं गई, आप सबसे गठबंधन कर लीजिए, एग्जीक्यूशन आपका क्या हुआ है? एक बार भी आपने भाषण नहीं दिया, किसी टीवी पे किसी मीडिया पे आप हाईलाइट नहीं हो रहे हो, तो वो डोरमेंट फेज में इनकी सारी कैंपेनिंग चली गई है। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज भी बताती है। मेरे कहने का मतलब केवल समीकरण बना लेना जरूरी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करके वोटरों को एहसास दिलाना होता है, उनके माइंड में एक प्लेस बनाना होता है, वो मुझे जेडीएस का कहीं नहीं दिख रहा है। जेडीएस का ओवरऑल देखेंगे तो वो हमेशा से उन्होंने अपनी पोजीशनिंग ये की है या चाहते ये हैं कि जीत हार तो छोड़ो, हम किसी तरीके से किंग मेकर बन जाए। तो वो मुझे ये लगता है, पहली बार मुझे ये लग रहा है, होने को कुछ भी हो सकता है, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 40 से ये 20-25 पे आ जाए, 10-15 सीटों का इनको डैमेज होगा। पिछली बार जब बीजेपी बहुत कमजोर थी, जेडीएस को 40 सीट मिली, कांग्रेस क्लियर कट मेजोरिटी में आई थी 117, जब ये तब किंग मेकर नहीं बन पाए, इनके पास इतना सुनहरा माहौल था और मौका था, तो अब इतने कॉम्पिटिटिव मतलब फेज में ये कैसे किंग मेकर बन जाएंगे, ये एक क्वेश्चन है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिख रही है, मैं क्लेम तो नहीं करता हूं लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ मतलब माइंड में जो है दिमाग में ये चीज आ रहा है, हो सकता है कि येदुरप्पा जी को मुख्यमंत्री न बनाए, और ये भी हो सकता है कि वो अपनी सीट हार जाए। उसका रीजन है, देखिए येदुरप्पा जी को जो अभी आपने बोला मजबूरी है कि जरूरी है, येदुरप्पा जी सर ये चर्चा तो शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है जब गुजरात में इलेक्शन हुआ था तब भी चल रही थी कि विजय रूपाणी को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उनको घोषित तो कर दिया उन्होंने उम्मीदवार, लेकिन सीएम बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो बाद में कहा गया, शाह ने खुद कहा कि तो बकवास है, नहीं इसके पीछे लॉजिक है, मैं बता रहा हूं। नहीं येदुरप्पा जी के पीछे लॉजिक है, आप बता रहे हैं ये बात, नहीं ये लॉजिक है, देखिए ऐसी चर्चा भी चल रही है, नहीं बीजेपी का आप नेचर समझिए, उनकी स्ट्रेटजी समझिए। देखिए है क्या, क्यों योगी जी को यहां से उठा के लेके गए वहां पे प्रचार के लिए, येदुरप्पा जी को प्रचार में कभी भी हाईलाइट नहीं किया। देखिए येदुरप्पा जी को ये अलग नहीं रखना चाहते हैं और उनका फायदा भी लेना चाहते हैं, इसलिए जो है उनका फायदा लेना मतलब इनके बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये है कि येदुरप्पा जी को हाईलाइट करें तो जो अपोजिशन है उनके ऊपर करप्शन के केसेस है वो हल्ला मचाना शुरू कर देंगे और बीजेपी की जो ईमानदार उसकी जो इन्होंने एक छवि बनानी है उस पर डेंट लगेगा, इसलिए इन्होंने येदुरप्पा जी को पीछे कर दिया। और मुझे ये लगता है अगर बीजेपी इलेक्शन क्लियर
टिकट जीत गई ना, तो हो सकता है येदुरप्पा जी को ये नेपथ्य में डाल दें या सेंटर में डाल दें मुख्यमंत्री। और देखिए बीजेपी का एक फंडा है सर, सरप्राइज मतलब ये करने में बहुत माहिर है। हो सकता है ऑल ऑफ सडन किसी और चीजों को ये जो है किसी और को ये मुख्यमंत्री के लिए जो है आगे कर दें। और ये भी पॉसिबल है कि येदुरप्पा जी दो जगह से अपना जो है पर्चा भर रहे थे, भरने नहीं दिया गया, इनको एक जगह से भरने दिया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है ये अपनी सीट भी हार जाए या हरा दिए जाए। एक मिश्रा जी मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन प्रमोद जी किस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो एक तरफ लिंगायत हैं, दूसरी तरफ वोक्कालिगा हैं, अगर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो फिर दलित हैं, मुस्लिम हैं, दलित और मुस्लिमों को साधने की किस तरीके से कोशिश जेडीएस की ओर से की गई है, मुस्लिमों को किस तरीके से कांग्रेस से साधने की कोशिश कर रही है, बीजेपी ने किसी को टिकट ही नहीं दिया मुस्लिम उम्मीदवार को, इन सब चीजों को कैसे आप देख रहे हैं? अमित जी, एके मिश्रा जी ने जो बताया, माफी चाहूंगा, जीएसडी यहाँ पर ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्दी वापस आएंगे तो आपसे हम चर्चा को शुरुआत करेंगे, आपकी का मैं जवाब यहाँ पर लेना चाहूंगा, लेकिन मजबूरन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, जल्द लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चर्चा इस बात को लेकर ही हम कर रहे हैं कि आखिर कर्नाटक का बॉस कौन होगा, लेकिन अब एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं बिना समय गवाए, और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर सबकी नजर टिकी हुई हैं। जिलों वाले कर्नाटक को पांच हिस्सों में बांटकर देखना दिलचस्प होगा। अगर इन पांच हिस्सों के सामाजिक समीकरणों और पार्टियों के प्रभाव का जायजा लिया जाए तो एक अलग ही तस्वीर उभरती दिखाई देगी। राज्यों के हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो चामुंडेश्वरी और बादामी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया चामुंडेश्वरी के अलावा बादामी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनकी दो जगहों से चुनाव लड़ने की आलोचना की है। बीजेपी का कहना है कि सिद्धारमैया ने दो सीटों से चुनाव लड़कर अपनी हार एक तरह से स्वीकार कर ली है। वरुणा की सीट पर दो बार जीत हासिल करने वाले सिद्धारमैया ने इस बार अपने बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी यहां से पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा के बेटे को उतारने की तैयारी में थी, लेकिन अचानक खुद येदुरप्पा ने बेटे को मैदान में उतारने से मना कर दिया। शिकारीपुरा सीट से बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार येदुरप्पा ने 7 बार जीत हासिल की है, इस बार भी उनके जीत को लेकर दुविधा की स्थिति नहीं है। चन्ना पटना और रामनगरम, जेडीएस की ओर से चन्ना पटना और रामनगरम इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी। रामनगरम सीट पर वो पिछले 3 चुनावों से जीत हासिल करते रहे हैं, इस बार उन्होंने चन्ना पटना से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी के अलावा 18 निर्दलीय उम्मीदवारों से उनका मुकाबला है। सौरभ सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगरप्पा के बेटे दो अलग अलग पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। कुमार बंगरप्पा को बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है, तो जेडीएस ने उनके भाई मधु बंगरप्पा को चुनाव मैदान में उतारा है। कुमार बंगरप्पा कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों के जाने माने अभिनेता भी रहे हैं। बेल्लारी सिटी और हरपनहल्ली, रेड्डी बंधुओं के कारण इस सीट का खास महत्व है। चर्चित जनार्दन रेड्डी के भाई सोमशेखर रेड्डी यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, जबकि उनके भाई करुणाकर रेड्डी को हरपनहल्ली सीट से खड़ा किया गया है। पुराना मैसूर क्षेत्र, ओल्ड मैसूर रीजन में विधानसभा की 85 सीटें हैं। इस इलाके में जेडीएस का व्यापक असर रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले पुराने मैसूर की सीटों पर पार्टी अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा की छवि एक सम्मानित नेता की मानी जाती है। कर्नाटक की इन हाई प्रोफाइल सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस की साख दांव पर लगी है। अब 12 मई को होने वाले चुनाव में जनता का वोट ही नेताओं के भाग्य का फैसला करेगा कि किस पर हार का ठीकरा फूटता है और किसके सिर जीत का सहरा बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कुल मिलाकर के 224 सीटें हैं और
क्या कुछ 2013 में रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के पास 122 सीटें, बीजेपी के पास 40, जेडीएस के पास 40 और अन्य के खाते में 22 सीटें गई थी। और वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और इन सभी पार्टियों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहा है। क्योंकि समय कम है इसलिए चर्चा पर हम सीधा आएंगे। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप इन हाई प्रोफाइल सीटों को आप देख रहे हैं। और सिद्धार्थ मैया तो दो दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर सवाल भी उठाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहीं ना कहीं पहले ऐसा लग रहा है कि हार स्वीकार कर ली है मुख्यमंत्री ने, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो ए के मिश्रा जी ने बोला था कि जो जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं बीजेपी के, वही अपनी सीट बचाना उनके लिए मुश्किल है और बीजेपी ने दो सीटों पर लड़ने के लिए मना कर दिया उनसे, तो हो सकता है कि ये जो कहीं ना कहीं इनकी बातों में दम है। लेकिन ये जो ए के मिश्रा जी कह रहे हैं कि जेडीएस कमजोर होगा इस बार, इतना कमजोर नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, 40 से जो है 25-30 सीटें तक आ सकती हैं, क्योंकि जैसा कि बताया जाता है कि उनके क्षेत्र में दक्षिण कर्नाटक में उनके घर घर में देवगौड़ा की तस्वीर लगी हुई, उनको भगवान की तरह मानते हैं लोग, तो इतना जेडीएस का गिरना बड़ा मुश्किल है। और रोल जो रहेगा इसमें, मेन जो रोल रहेगा जेडीएस का ही रहेगा सरकार बनाने में। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। नवीन जी, छोटा सा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि हालांकि लगातार हम सुन रहे थे कि ए के मिश्रा जी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बीजेपी के चांसेस ज्यादा वहां पर बन रहे हैं, लेकिन ऐसा रहा है कहीं ना कहीं देखने को ऐसा मिला है कि जो भी पार्टी वहां पर विधानसभा का चुनाव जीतती है वो लोकसभा का हार जाती है, लोकसभा का जीतती है तो विधानसभा का हार जाती है, कुछ ऐसा रहा है, ये धारणा है वहां के लोगों में? ये धारणाएं सारी टूट रही हैं। आप पूरे स्टेट में, दूसरे स्टेट में पता कर लीजिए और जो सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जो एंट्री इनकम्बेंसी है वो बहुत ज्यादा अब पहले की तरह मायने नहीं रखता कि जो सत्ता में है वो चला ही जाएगा। दूसरी बात, जो आप इनकी बात करते हैं सिद्धारमैया की, कि चामुंडेश्वरी से भी लड़ रहे हैं और बादामी से भी लड़ रहे हैं, लास्ट आवर में सिद्धारमैया ने बादामी से नॉमिनेशन किया क्योंकि चामुंडेश्वरी में वो फंसे हुए हैं 100%, क्योंकि जो पार्टी जेडीएस का कैंडिडेट है वहां से वो सिटी एमएलए है और बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारा है वो ब्राह्मण है और जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाया, तो अंदर खाने बीजेपी सपोर्ट कर रही है। बादामी में बीजेपी ने श्री रामलु को उतारा हुआ है, श्री रामलु SC/ST कैंडिडेट है, ठीक है, और वो सपोर्ट जो है उसको जेडीएस का सपोर्ट मिल रहा है। एक मिश्रा जी, जल्दी से एक छोटा सा आपका भी मैं चाहूंगा कमेंट। नहीं देखिए, जैसे अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, मैं बोल रहा था कि अगर 40 से 25 पे भी आ गई आपकी जेडीएस तो 33-35% का लॉस हो गया, ये बहुत बड़ा लॉस होता है गेम को चेंज करने के लिए। दूसरी चीज, एक चीज और है, देखिए एक टर्म होता है पॉलिटिकल पोजिशनिंग। बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है, बड़ी स्ट्रेटजिक है। देखिए, इन्होंने एक भी मुसलमान को जो है टिकट नहीं दिया, यूपी में भी नहीं दिया, हारे जीते कोई भी वो बात दूसरी है, लेकिन इतने गजब तरीके से बीजेपी क्लियर कट पोजीशन करती है कि वोटर्स के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। यहां पे दूसरी पार्टियों के साथ क्या है, वो सबको देते हैं, उनकी स्ट्रेटजी ऐसी रहती है कि वोटर कंफ्यूज हो जाता है। अब जैसे मुसलमान वोटों का अगर देखें या जेडीएस का जो वोट बैंक है अगर उसको देखें, तो एक जब लहर चलेगी ना जेडीएस के वोटरों को लगेगा कि भाई हमारी पार्टी हार रही है, तो पब्लिक अपने आप भाग जाती है दूसरी तरफ। आपका, प्रमोद शर्मा जी आपका और नवीन कुमार जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है और इस सवाल का जवाब अब 15 मई को मिलेगा। लेकिन सवाल वही का वही कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन होगा, आखिर कर्नाटक का बॉस कौन होगा, 15 मई को जवाब मिलेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।